चूड़ियाँ और कंगन कितने अच्छे लगते हैं ना एक दूसरे के साथ। ये तो कहते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह हैं आप भी हमारे लिए खास, और क्योंकि आप हैं खास इसलिए आ रही है आपके लिए स्पेशली ये खास खबर। आप ताऊ और आप ताई बनने वाली हैं। आरोही प्रेग्नेंट है भाभी। आरोही की गुड न्यूज। खुशी से झूमा बिरला परिवार। अक्षरा और अभिमन्यु हुए इमोशनल। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम खुशियों का। घर में दौड़ गई है खुशी की लहर, और हो भी क्यों ना, भाई आरोही माँ जो बनने वाली है यानी कि बिरला परिवार में जल्द ही गूंजने वाली है किलकारियां। और ये बात खुद नील, अक्षरा और अभिमन्यु को बताता है, जिसे सुनकर उन्हें शौक तो जरूर लगता है लेकिन दोनों आरोही और नील के लिए काफी खुश है। आप अभी तक चाचा और चाची थे राइट, लेकिन अब आपका प्रमोशन होने वाला है। आप ताऊ और आप ताई जी बनने वाली हैं। आरोही प्रेग्नेंट है भाभी। ये कब से बेचैन था तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए? मंजरी जी ने कहा भी था कि कॉल कर लो, लेकिन नील ने कहा नहीं, दोनों को मिलके खुशखबरी देनी है। सॉरी जो भी हुआ, आई नो तू नाराज थी, यहाँ ही तुझे ये न्यूज मिली, तू खुश है ना? ऐसे में अक्षरा भी आरोही की नजर उतारती है, और बहनों में होती है डील कि उनका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। आरोही अक्षरा से माफी तो मांगती ही है, साथ ही साथ अभिमन्यु से भी माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु को आरोही पर यकीन नहीं है, और इसीलिए यकीन दिलाने के लिए आरोही अभिमन्यु को उसकी बाइक वापस कर देती है, ताकि अभिमन्यु को यकीन हो जाए कि अब आरोही अक्षरा और उसकी जिंदगी में कोई भी ट्विस्ट नहीं लाएगी। सुधरी है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अक्षरा काफी इमोशनल हो गई है। भाई उसे आरोही के माँ बनने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये दर्द भी खाए जा रहा है कि वो माँ नहीं बन सकती। ऐसे में अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब गोद भराई के दौरान मंजरी अक्षरा को माँ बनने के लिए कहेगी, और ऐसे में अभिमन्यु और अक्षरा सभी घर वालों के सामने ये सच बता देंगे कि अक्षरा कभी भी माँ नहीं बन सकती है, जिसे सुनकर घर वालों को लगेगा झटका। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।